नमस्ते, अभिवादन आपका है नोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग हो गई 17,177। ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। एग्जैक्ट क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 17,153 पे हुई है। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस जानते ही होगे। चलिए, 17,177। आज आप दो चीज़ें देखिए, बाजार के हाई को देखिए, बाजार के लो को देखिए, और कल के हाई को देखिए, कल के लो को देखिए। ऑलमोस्ट लगभग लगभग जगह पे हुए हैं। ठीक है, ये कैंडल रेड है क्योंकि आज की ओपनिंग अच्छी हुई, ये कैंडल ग्रीन है क्योंकि कल की ओपनिंग बुरी हुई थी। समझ रहे हैं, मतलब सारा जो जिम्मा था वो हो गया ओपनिंग का। ओपनिंग बुरी हुई तो क्लोजिंग अच्छी हुई, ओपनिंग अच्छी हुई तो क्लोजिंग बुरी हुई। ठीक है, ये इंट्राडे की बात हो गई। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 17,150 के ऊपर एक लेवल भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर क्लोजिंग होना अच्छी बात है, उस लेवल के पास में होना अच्छी बात है। ठीक है, टेक्निकली अभी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डेटा, FII, DII का डेटा कैसे आएगा हम उस पर बात करेंगे, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। उससे पहले TCS की बात कर लेते हैं क्योंकि बाईबैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे 20% शेयर्स बाईबैक में एक्सेप्ट किए गए हैं। आई होप आपके भी इतने ही किए गए हों। जी हाँ, जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो है 20% के आसपास का। एंटाइटलमेंट रेशियो 14% के आसपास आया था, वहाँ से 6-7% बढ़ करके आया है। मेरे पास जितने शेयर्स थे उतना जो शेयर था उसका 20% यानी कि 1/5 एक्सेप्ट हो गया है। किसके लिए? बाईबैक के लिए, 4,500 के दाम पे। आई होप आपके पास भी मैसेज आ गया होगा एक्सेप्टेंस वाला। उम्मीद सभी को यही थी कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा वो हाई होगा, जनरली ये हायर होता भी है, मैंने इसके बारे में आपसे बात भी की थी। लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा, ये फ़र्क मतलब बड़ा होता, 35-40% पे होता तो और मज़ा आता। बाकी अब क्या ही कहोगे, जितने भी शेयर्स एक्सेप्ट हो जाए, 9 ही शेयर्स सही एक्सेप्ट हुए। चलो, आई होप आपके भी हुए हो, जो भी मतलब कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक, अब बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की, जो आपको बताए गए थे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर था। बाज़ार पहली कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो गई, इस लेवल को भी कुछ खास सम्मान दी नहीं, उसको तोड़ करके नीचे आ गई। नीचे आपको एक लेवल दिया गया था, ये वाला। ठीक है, इससे पहले से ही बाज़ार ने सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश की। ठीक है, उसको आप जाने दीजिए, इस लेवल को भी, यहाँ तक तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर ये वाली कैंडल ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, इस वाली कैंडल ने तोड़ दिया, तो ये लेवल इसके लिए बन गया रेजिस्टेंस। आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको एक लेवल नीचे बताया गया था, ये वाला, इसने बड़े सपोर्ट का काम किया। बाज़ार की क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट यहीं के आसपास हुई है, तो इस लेवल की अहमियत आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो। अब ट्रेड कैसे करना था, देखो, इसके आसपास अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ये, तो आपको यहाँ पर लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं लेता, आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं ले पाते क्योंकि बहुत नज़दीक इसके हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ठीक है, इस वाली कैंडल पे भी मैं बाई नहीं ले पाता क्योंकि नज़दीक नहीं मिला, भले एक बार इसने इस लेवल को अप्रोच किया था, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बाइंग नहीं ले पाता। आप बताइए, आप यहाँ पर क्या करते? इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, अगर करता तो टारगेट आ जाता, लेकिन मैं नहीं कर पाता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मैंने पार्टिसिपेट कहाँ पर किया, जब यहाँ पर इसको इसने अप्रोच किया, एक बार, दूसरी बार किया, फिर रेड कैंडल बनी, तो मुझे लगा रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पर मैं, अब इसको आप फॉर्चुनेट डिसीजन कह सकते हो क्योंकि अभी निफ्टी सेटअप की बात करूँगा, आप वहाँ पर समझोगे, मेरा टारगेट हिट हुआ। टारगेट सपोर्ट के आसपास ही होता है, या फिर आप TSL लगाओ या जो भी लगाओ। अब यहाँ पर जब आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली एक बार, दूसरी बार इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद आपको ट्रेड लेना होता है, लिया, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट हुआ, दो ट्रेड मैंने इस पर लिए। अब निफ्टी सेटअप की बात करूँ, आज वहाँ पर मुझे हुआ है लॉस, आपको लॉस मैं समझाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहूँगा, देखिए ये लेवल्स अगर आपको पहले से पता हो, मैं यही बात रोज़ करता हूँ, तो क्या आप कुछ स्मार्ट डिसीजन लेकर के बढ़िया ट्रेड्स कर सकते हो? क्योंकि जो FNO ट्रेडिंग होती है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की होती है। आपको किस पे फोकस करना है? आपको सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि FNO में बिना रिस्क मैनेजमेंट के तो समझ लीजिए आप साइनाइड का डोज ले रहे हो, सच में बहुत खतरनाक हो जाती है सिचुएशन। अब यहाँ पर समझा देता हूँ निफ्टेडर सेटअप, देखिए 3 मिनट पे मुझे यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिला, सेल साइड का ट्रेड मिला था, लेकिन रिवर्सल आ गया और उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज़ी से रिवर्सल आएगा, कॉस्ट पर यहाँ पर एग्जिट मिला। 10 मिनट की कैंडल, अनफॉर्चुनेट था यहाँ पर ट्रेड लेना, क्योंकि देखते हैं, अब देखो सुधारने की कोशिश मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन दोस्त देखो, आप बाज़ार में 1 महीने पुराने हो, 1 साल पुराने हो या 10 साल पुराने हो, बाज़ार आपसे वो भी गलतियाँ करवा सकती है जो एक पहले दिन एक नोविस आकर के करता है, समझ रहे हैं? तो होंगी ये गलतियाँ। ठीक है, अब बाई साइड का ट्रेड मैंने लिया, मुझे रिवर्सल दिख रहा था क्योंकि बाज़ार सपोर्ट के आसपास से घूम रही थी। उसके बाद ये अचानक सी जो कैंडल बनी ना, इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। मुझे यहाँ पर अगर ये धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई देता, सपोर्ट के आसपास दिखाई देता, तो मैं यहाँ पर ऐड करता क्वांटिटी। ठीक है, अलग सिचुएशन बनती कि वहाँ पर भी मुझे स्टॉप लॉस खाना पड़ता, लेकिन इसने मुझे मतलब तुरंत ही ट्रेड लिया और उसके बाद थोड़ी देर में
अचानक से बाहर कर दिया। तो आज का दिन गया निफ्टेडर सेटअप पे लॉस में, ठीक है। एक केवल एक ट्रेड का टारगेट आया फेनोमी, जो मैंने ट्रेड किया मैंने आपको वो लेवल्स वाले उस पर बता दिया। अब सोचिए कि लेवल्स को बाजार सम्मान भी दे रही है, उसके बाद भी ये वही हो सकता है कि आप जो है प्रॉफिट ना जनरेट कर पाओ, और ये सबके साथ होता है, सिर्फ हमारे और आपके साथ ही नहीं होता है। अब टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी अंडर परफॉर्म की है किससे, सबसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गिरे हैं टाइटन जैसे स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, वो सब ने दिल तोड़ दिया। मारुति भी गिरा 1.5%, आईओसी, अब एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ये तीनों ही स्टॉक्स के लिए कल बहुत नेगेटिव न्यूज़ आई थी। दो चार लोगों से सवाल भी आ गए थे, अरे ये इतना नुकसान हो गया रेवेन्यू का, यार इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं ना वो। और मेरे हिसाब से आपको ऐसे न्यूज़ से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, लेकिन ठीक है 1.5% ही सही, गिरे तो ये स्टॉक्स। चलिए निफ्टी 50, यहाँ पर बजाज ऑटो है 2% ऊपर, अदानी पोर्ट्स बढ़िया चला, स्टेट बैंक बढ़िया चला, रिलायंस देखिए देख रहे हैं 2600, वाह। सोचिए रिलायंस पॉजिटिव ना होता तो निफ्टी का क्या हाल होता। इंडिगो निफ्टी नेक्स्ट 50 में, एसबीआई कार्ड देखिए 872 पे क्लोजिंग है, 872 पे, मज़ेदार है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% ऊपर, डीएलएफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस बढ़िया चले, गिरने में इंडस टावर 6%, आईजीएल 2.5% गिरा, जाइडस लाइफ 2.5%, मुथूट फाइनेंस, निफ्टी बैंक थोड़ा सा देखिए गिरने में। आज छोटे बैंक्स गिरे थे लेकिन एचडीएफसी बैंक फिर भी उनका साथ दे रहा था, आईसीआईसीआई बैंक भी वहाँ पर लूजर था, अदरवाइज ये इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ होता। मदद तो स्टेट बैंक और कोटक बैंक ने काफ़ी की थी, एक्सिस बैंक भी पॉजिटिव साइड ही ट्रेड किया। अभी विदा ले रहा हूँ, चीज़ें अंडर कंट्रोल ही हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। शुक्र है, शुक्रवार है वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि ठीक है थोड़ा FIIs का डेटा समझेंगे। कल अगर ट्रेड करना होता तो बाजार इतनी बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर चुकी है ना कि एक बार कहेगी चलो यार 17,000 तोड़ कर ही नीचे जा कर के मज़े लेकर आती हूँ। लेकिन ठीक है, सोमवार को हो सकता है कहानी हमारे फेवर में जाए और हम थोड़ा तेज़ी दिखा दें बढ़िया वाली। इस वाली कैंडल के बनने के बाद मुझे थोड़ा सा संदेह हो गया था, क्योंकि वो जो कहानी थी वो ऑप्शन के डेटा से साफ साफ झलक रही थी। अभी मिलते हैं आपसे कुछ अन्य वीडियोज़ में, विदा ले रहे हैं आपसे। कल बाजार बंद है पता है ना, लोग बोलेंगे कि वीकेंड पे जा करके मज़े लूटो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा पूरे हफ्ते मज़े लूटा करो, वीकेंड पे सीखा करो, समझा करो, थोड़ा सा सीरियस हो जाया करो, ठीक है। वीकेंड पे पूरी दुनिया को हुल्लड़बाजी करने दिया करो, खुद थोड़े से सीरियस हो जाया करो, कुछ लाइफ को पॉजिटिव साइड ढकेला करो, ठीक है। वीकेंड इसके लिए मिलता है, वीकेंड इसके लिए नहीं कि चवन्नीगिरी कर रहे हो जा करके रोड पर। बहुत लोगों को देखता हूँ और बहुत दुख सा उठता है, क्योंकि जब आप 5 दिन वो काम नहीं करते हो ना जो आपको करना होता है, तो आप वो 2 दिन सर पीटते हो जा करके, और ये बहुत बहुत गड़बड़ माइंडसेट है। वेस्ट ने हमको वेस्ट कर दिया है, हमारी यूथ जनरेशन को वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर भी नहीं सकते यार, क्योंकि वही है ना गिलहरी प्रयास, लेकिन करते रहेंगे। अभी इतना ही, नमस्कार।